नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अत्यंत हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आज DGPG कॉलेज द्वारा पूर्व छात्र सम्मेलन का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि DGPG कॉलेज की वरिष्ठ सदस्य विशिष्ट अतिथि वर्तमान विधायक सिराथू श्रीमती पल्लवी पटेल, प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना वर्मा एवं डॉक्टर साधना सिंह पूर्व प्राचार्य द्वारा संपन्न हुआ। पूर्व छात्राओं श्रीमती पल्लवी पटेल विधायक सिराथू कौशाम्बी ने अवगत कराया कि कैसे उन्हें डांट मिली, कैसे यहां तक सफर किया, विधायक बनने तक जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, उम्र भर ये मैंने किसी से नहीं स्वयं से वादा किया है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेवसी मत समझ है नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी। डॉक्टर मोनिका तिवारी सहायक आचार्य SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर, जहरा फातिमा रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कानपुर, श्रीमती पूजा गौतम सहायक अध्यापिका UPS खोखा अकबरपुर कानपुर देहात, श्रीमती इंदु सिंह सहायक आचार्य SN सेन, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स कानपुर, डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी प्रवक्ता जीव विज्ञान विभाग गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज कानपुर, प्रियंका यादव प्रवक्ता गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज कन्नौज, सुरभि बघेल सीनियर रिसर्च फेलो CIMAP CSIR SRF लखनऊ, डॉक्टर रिजवाना असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग PPN कॉलेज कानपुर, डॉक्टर संध्या पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग PPN कॉलेज कानपुर, श्रीमती कृतिका शर्मा प्रवक्ता सीलिंग हाउस स्कूल कानपुर, डॉक्टर सुमन शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर कानपुर, श्रीमती संध्या सिंह सहायक प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र विभाग SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर, श्रीमती रूपाली बाजपाई असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट डिवीजन एम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कानपुर, श्रीमती जिज्ञासा श्रीवास्तव असिस्टेंट मैनेजर इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक कानपुर, श्रीमती जिज्ञासा श्रीवास्तव असिस्टेंट मैनेजर इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक कानपुर, श्रीमती अच्छिका द्विवेदी एकेडमिक इंचार्ज कैम्ब्रिज स्कूल कल्याणपुर कानपुर, श्रीमती तमन्ना चिंतल स्कूल कल्याणपुर कानपुर, प्रियांशु सिंह प्रवक्ता आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट कानपुर आदि से आकर इस कार्यक्रम को अपनी पुरानी यादों से आयोजन को सफल बनाया। संचालन प्रोफेसर सांत्वना वर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन पूर्व छात्र कमेटी की इंचार्ज प्रोफेसर पप्पी मिश्रा जी द्वारा दिया गया। रिसर्च में आज तो हमारे दो सर स्कॉलर्स हैं अवंतिका श्रीवास्तव और शिल्पा उपाध्याय, वो जरूर आज PPG देगी, पर आप देखिएगा आपके लिए कितना वैल्यूबल प्रूव होता है। एक SPSS सॉफ्टवेयर पर बोलेंगी और एक बोलेंगी बताएंगी हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी। लेकिन मुझे जो लगता है कि न्यू नॉलेज रिसर्च मेथोडोलॉजी इकोनॉमिक्स में इस कॉलेज में कभी नहीं हुआ, और इकोनॉमिक्स में हमारे प्राचार्य जी ने आशीर्वाद से पहली बार रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ आयोजन हो रहा है, इसके लिए एक बार डिपार्टमेंट के लिए और तुरंत एक ही बार मैंने इनसे बोला कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे करना है हमारी प्रिंसिपल से और हमारी फॉर्मर प्रिंसिपल से, और इकोनॉमिक्स ने पहली बार इकोनॉमिक्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्लेटफॉर्म दिया। और दो मिनट में हम अपनी बात करते हैं क्योंकि इट डील्स विद न्यू नॉलेज न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जो लड़कियां रिसर्च कर रही हैं केवल सॉफ्टवेयर नहीं, आप छोटे लेवल पर आप माइक्रो लेवल पर भी डील कर सकते हैं, आप लोग स्टिचिंग और अचार पापड़ से भी डील कर सकते हैं, बट रिसर्च एंड इनोवेशन कनेक्ट करता है इसको। मैं बस इतना कहूंगी कि जब न्यू नॉलेज आती है, न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती है। I am Surabhi Baghel from CSIR CMAP Lucknow. It looked like a study only when I was in this college and doing my post graduation from this college. And today I am very happy to got this opportunity to attend this alumni meet. And this day is very important to all of us to get together to meet our friends, teachers, to share all the previous memories and all. And today is very important. I want to, you give me permission how I
present my gratitude to my teachers whose efforts make my future. And today my further studies is from a very reputed institute of India. I highly thankful to my teacher, my ma'am, my mehu. लेकिन मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड इकोनॉमिक्स सबकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ और कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी और उन नामों में सबसे पहला नाम डॉक्टर कीर्ति नारायण जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे बनाया, एक्चुअली उन्होंने ही मुझे सिखाया कि टीचर क्या होता है। आप जी नीचे से चीज उठा सकते हैं लेकिन टीचर आपको बताता है, वो आपके लिए झुकेगा नहीं, आपको ऊपर आना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैं फेसबुक में उनकी फ्रेंड हूँ और बहुत सारी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन आज अगर मैं उनका नाम नहीं लेती तो बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। उसके बाद मैं बात करूंगी शशि रानी अवस्थी, जो मैंने कुआ है, उन्होंने ही मुझे ये कॉलेज दिखाया, और साधना मैम, पप्पी मैम, निवेदिता मैम, जकारिया मैम, ढेर सारी, एक लंबी लिस्ट है। Vice President, Father Alvanagi, Dr. Sadhana Singh Ji,
एंड प्रोफेसर पप्पी मिश्रा जी एंड ऑल माय एलुमनाई फेलो पीपल आउट हियर ऑल माय टीचर्स. इट्स ऑलवेज फीलिंग वेरी गुड टू कॉल द लाइक्स ऑफ माय टीचर्स राइट नाउ एंड दे आर एबल टू विटनेस द सक्सेस व्हाट आई हैव रिसीव्ड और व्हाट आई हैव अचीव्ड. सो आई से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. And I passed out in 2003. And after receiving my TC from this college, I entered to University of Utah, USA, where I wanted to pursue my PhD. But meanwhile, I lost my father. So I had to break my studies. And then I was destined to enter politics. I started off my struggle there. And after lots and lots of struggle, day and night of hard work, I'm standing before you. With a PhD in my hand, and trying to serve my society, my constituency, and my people. It's like बहुत लंबा extend नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, so I will just keep it precise. आप सभी लोगों ने टी बैग देखा होगा. So आप टी बैग को जैसे ही गर्म पानी में डालते, वो अपनी रंगत और खुशबू उसमें छोड़ देता है. And all the females sitting out here, we are like tea bags. हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, जहां भी परिवेश में जाते हैं, अपनी खुशबू, अपना सोच, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति वहां छोड़ करके उस जगह को और बेहतर बनाने का काम करते हैं. Very good. हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां क्या बोला जाता है, खाना बनाना सीख लो, अच्छे से रहना सीख लो, दूसरे के घर जाना है. मम्मी की बोली तो ताई बोलेगी, ताई की बोली तो चाची बोलेगी, पक्का बोलेगा. मेरे घर में भी यही था. अदर देन माय मदर एंड माय फादर. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.